बचपन 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल की जानिब से आकसार रिजवान रब्बानी की जानिब से, रब्बानी खत्ताती मरकज़ की जानिब से और रब्बानी खत्ताती मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जारी जो दो शाखें यहाँ पर जारी हैं, एक तो गुलाब पार्क में जारी है शुएब चाचा के मकान पर, तो वहाँ के जो तलबा और तालबात हैं, जो दूसरी ब्रांच हमारी जारी है सरदार प्राइमरी स्कूल में, वहाँ के तलबा और तालबात और खुद यहाँ के रब्बानी खत्ताती मरकज़ के जो तलबा और तालबात हैं, ये आप लोगों के सामने आ रहे हैं और ईद कुर्बान की, ईद उल अज़हा की जो है पेशगी मुबारकबाद आपको देना चाह रहे हैं और रब्बानी खत्ताती मरकज़ का पैगाम भी आप तक पहुंचाना चाहते हैं। पहली बात तो ये कि सभी नाज़रीन को पेशगी मुबारकबाद, न सिर्फ रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल की जानिब से बल्कि रब्बानी द स्कॉलर ब्लॉग और उसके अलावा रब्बानी खत्ताती मरकज़ उनकी तीनों ब्रांच और उसके अलावा अदारे फैजान रब्बानी और रज़िया रब्बानी फाउंडेशन की जानिब से तमाम ही नाज़रीन को ईद उल अज़हा की पुरखलूस मुबारकबाद दी जाती है। ईद उल अज़हा ये वो त्यौहार है जिसमें बेशुमार सबक जो है वो पोशीदा है और एक तरह से हमें हमारे हर त्यौहार पर एक फख्र होता है कि हमारे त्यौहारों से भी जो है हमें कुछ ना कुछ सीख मिलती है। अल्हम्दुलिल्लाह ईद उल अज़हा का वो त्यौहार है, वो सुन्नत इब्राहिमी है जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के वाक़े पर मबनी है, तो उसमें जो दर्स पोशीदा है वो यही है कि एक बेटा जो है वो अपने बाप की फरमा बरदारी करे और बंदा जो है वो अपने अल्लाह की रब्बुल आलमीन की जो है वो इबादत और अताअत करे और उसकी फरमा बरदारी करे। यानी फरमा बरदारी का एक ज़बरदस्त दर्स जो है वो हमें इस त्यौहार से मिलता है। उसी के साथ साथ हमें एक तरह से जिस तरह से हमारे अपने इस त्यौहार में जो खराबियां दराई हैं, रियाकारी, नुमाइश और एक तरह से जानवर की कुर्बानी को हम बस जानवर को कुर्बान कर देना ही हम इस त्यौहार का मकसद समझते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें बेशुमार सबक और बेशुमार दर्स जो है वो पोशीदा है, वो उस दर्स तक पहुंचने की हमें बेपनाह ज़रूरत है और जिस तरह से ये त्यौहार मनाने के लिए हमें गुरबा व मसाकीन का ख्याल रखें, इसमें इस त्यौहार में जो है हम जब गोश्त की तकसीम करें तो गुरबा मसाकीन जहां हम अपने घर में गोश्त रखते हैं रिश्तेदारों को देते हैं, वहीं पर जो है गुरबा व मसाकीन को भी हम याद रखें और उन तक भी गोश्त को पहुंचाएं। इस तरह से चंद बातें हैं जो आपके सामने पेश की गई और पेशगी मुबारकबाद और साथ ही साथ ये चंद अशार भी पेश खिदमत हैं कि ये वो अजीम दर्स देने वाला त्यौहार है, हमें बहुत कुछ सीख मिल सकती है। शायर कहता है कि ये आसा है कि इंसान छोड़ दे सब माल उजर अपना, ये आसा है कि इंसान छोड़ दे सब माल उजर अपना, ये आसा है कि इंसान छोड़ दे तख्ते सुलेमानी, ये आसा है कि इंसान छोड़ दे तख्ते सुलेमानी, ये आसा है कि इंसान रंज उठाए सख्तियाँ झेले, ये आसा है कि इंसान रंज उठाए सख्तियां झेले, ये आसा है कि अपनी जान भी दे दे बआसानी, ये आसा है कि अपनी जान भी दे दे बआसानी, ये सब आसान से आसान तर है दोस्तों लेकिन, ये सब आसान से आसान तर है दोस्तों लेकिन बहुत मुश्किल है अपने हाथ से बेटे की कुर्बानी, बहुत मुश्किल है अपने हाथ से बेटे की कुर्बानी, किया बेटे को राहे हक में कुर्बान अपने हाथों से, किया बेटे को राहे हक में कुर्बान अपने हाथों से, नहीं दुनिया में कोई भी खलीलुल्लाह का सानी, नहीं दुनिया में कोई भी खलीलुल्लाह का सानी। तो ये जो अजीम दर्स जो हमें इस त्यौहार से मिलता है फरमा बरदारी का, अताअत गुजारी का, तो ये यकीनन आज हमारे अपने बच्चों में ये दर्स की कमी हम महसूस कर रहे हैं, अनका है, तो हम चाहेंगे कि हमारे अपने बच्चों में भी ये जो वालदैन की फरमा बरदारी है
माँ बाप की जो फरमा बरदारी है या फिर हमारे रब की जो रजा है उस पर राजी होने की जो हमारी जो अतात गुजारी है, ये तमाम चीज़ों पर हमें गौर फिक्र करना चाहिए। साफ सफाई से, खुश दिली से, खुश असलूबी से जो है हमें ये त्यौहार मनाना चाहिए। हमें खुशी व मुसर्रत के साथ जो है अपने इस त्यौहार को अंजाम तक ले जाना चाहिए, त्यौहार मनाना चाहिए और सारी चीज़ों को गरीब गुरबा को और मिस्कीनों को याद रखते हुए, रिश्तेदारों को याद रखते हुए अपने अहले खाना के साथ जो है खुशी व मुसर्रत के साथ त्यौहार को मनाएं। इसी पैगाम के साथ विदा चाहेंगे। रब्बानी खताती मरकज़ के तमाम तलबा और तलबात की जानिब से आपको ईद उल अज़हा की पुरखलूस पेशगी मुबारकबाद। शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। 55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसां मुफीद मफाद आम्मा का आलम बरदार। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल, रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल।